अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं यहाँ पे छाबरी बाला में और लिटरेसी या नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के तवज्जुद से यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे जिन्होंने पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि छाबरी बाला जो छोटा सा इलाका है ये डीजी खान से तकरीबन कोई 17 किलोमीटर के फासले पे है और ये हमारा ताहिर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये थोड़ा सा सेंटर भी दिखा दें। ये सेंटर जो है हमारा नॉन फॉर्मल सेंटर है और यहाँ पे नज़दीक कोई स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल तकरीबन 5 to 6 किलोमीटर के फासले पे है और हमारे जितने भी हमारे दोस्त हैं जो वॉलंटियरली हमें डोनेट कर रहे हैं फंड्स वगैरह, थोड़े से बच्चों की हमने चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकती गवर्नमेंट हमारी, तो हमने ख़रीदी यहाँ पर। और ये मेरे दोस्त हैं ताहिर लाशारी साहब जिनका ये स्कूल है छाबरी बाला का, तो उनके स्कूल पर मैंने 2 सोलर और 3 जो है फैंस डोनेट किए हैं अपने दोस्तों की तवस्सुत से, उनकी हेल्प से। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो दोस्त हैं ताहिर लाशारी साहब वो थोड़ा सा आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये चीज़ें डोनेट की हमें, 2 सोलर और 3 पंखे, ठीक है। ये बच्चे सारे आप जो है ना उन्हें दुआएँ दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें सपोर्ट मिल गई है यहाँ पर आके। अब आगे चलें, उधर भी देखें कुछ जी सर। मसाइल अभी तक भी हल नहीं हुए। देखें ये 2 सोलर प्लेटें और 3 पंखे हैं जो उस पर नहीं चल रहे। अब ये 2 पंखे एक ही प्लेट पे अटैच हैं जिनकी हवा बच्चों तक नहीं पहुंच रही। और दूसरा इनका इशू है ये ऊपर छत का एक पोर्शन बना हुआ है छत का, ये देख लें जी। और एक ये वाला रहता है, बारिश के दिन जो है ना, बारिश होती है जब ये फिर स्कूल क्लोज हो जाता है और बच्चे पानी में भीगते रहते हैं, फिर ये इशू है। काइंडली कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर इन्हें सपोर्ट करना चाहे तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने ये चीज़ें हमें डोनेट की, ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा, ये हम स्कूल में आए थे छाबरी बाला में, यहाँ पे हमारे मैंने टीचर से रिक्वेस्ट की है कि ये 2 बच्चे अगर हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएं, हम उनका ज़रा स्टांस हमारे पास आ जाएगा कि ये इन्हें हमने सोलर वगैरह दिया था और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बच्चा हमसे शेयर करना चाह रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम हुसैन है सर। अस्सलाम वालेकुम। एदा पेशा बहुत गर्मी आ, ना सोलर ना पखा आ, ना पीछे है चिन्या एदा ना छत आ, एम ठीक सो जिस जेफा हमारा पखा दसा सै और तो हमारे 2 सोलर दसा आन बहुत शुक्र गुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब ये हमारे हैं इनके जो टीचर हैं हसनैन अब्बास साहब, ये भी इधर ये बलोची में इन्होंने जो कहा है ये आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे क्या बात कर रहे थे स्टूडेंट इनके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है, हम लिटरेसी स्कूल में पढ़ाते हैं चाशा वाला में। ये जो बच्चा कह रहा था कि हमें पहले यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था और बहुत से मसाइल थे, लिटरेसी डिपार्टमेंट में हमें यहाँ स्कूल दिया और फिर सर ने जो हमें प्रोवाइड किए थे ये पंखे और सोलर, 2 सोलर हैं और 3 पंखे हैं, ये सर ने प्रोवाइड किया और जिन्होंने भी ये फंडिंग की उनके लिए उनका हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह ताला उनको बच्चे भी दुआएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि अब ये सर्दियों में हमारे पास यहाँ पर कोई कवर नहीं है और यहाँ पर भी छत का निज़ाम नहीं है। ये हमने थोड़ा सा छत बनाया था अपनी मददात के तहत, तो ये भी मुकम्मल तौर पे अच्छा नहीं बना उसे जितना हो सका हमने बनाया। अब इसके लिए हमें छत की ज़रूरत है और यहाँ कवर करने के लिए सर्दियों में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और जब बारिश आती है तो इससे हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। तो काइंडली जिसके पास जो भी कोई फंडिंग करना चाहे तो उनका हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।